केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा आज देवास से शुरू हुई। 3 दिवसीय इस यात्रा की शुरुआत देवास से हुई, जहां पर देवास इंदौर की सीमा पर देवास के शिप्रा गांव से यात्रा शुरू हुई और शहर में पहुंची, जहां पर देवास में जगह जगह पर सिंधिया का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान ही ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास के रंगोली कलाकार राजकुमार चंदन के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान राजकुमार चंदन ने उन्हें एक तस्वीर भेंट की। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास के जिला अस्पताल पहुंचकर वहां हुए नए कायाकल्प का अवलोकन किया और मरीजों से बातचीत भी की। उसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी आशीर्वाद यात्रा के बारे में बताया और इस दौरान देश और प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज जो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने का मुझे सौभाग्य मिला है, उसकी शुरुआत यहां से हुई है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश एक तरफ प्रगति और विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, वहीं कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के यशस्वी नेतृत्व में जहां हम विकास और प्रगति के प्रति समर्पित हैं, वहीं मध्य प्रदेश में आई हुई बाढ़ का सामना भी हर संभव मदद कर हम अपने क्षेत्रवासियों को दे रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो केवल गिरगट की तरह अपनी रंग बदलने की आदत रखता है, कभी कोरोना में लॉकडाउन करो, कभी कोरोना में लॉकडाउन ना करो, कभी वैक्सीन उपलब्ध कराओ, कभी वैक्सीन में मांस है, ये अफवाह फैलाने का काम करता है। साथ ही कभी संसद ना चले, प्रजातंत्र का गला घोटा जाए, कभी संसद चले तो हमारे मत पर चले, हमारे विषय पर चले। मंत्रिमंडल का परिचय न राज्यसभा में होने दिया गया न लोकसभा में। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी यह नहीं चाहती कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़े वर्ग का उत्थान हो, विकास हो। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि यदि संसद में परिचय नहीं होगा तो जनता के समक्ष हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकलेंगे। इसीलिए ही ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। विपक्ष को जनता ने संदेश 2014 और 2019 में दे दिया था और 28 सीटों के उपचुनाव में दिया गया था। कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की बात मैं क्या करूं, जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को बड़ी खुजली आती है और ये स्वाभाविक है, तो कांग्रेस की टीका टिप्पणी का तो मैं स्वागत करता हूं। किसी भी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ट्वीट करती है, कांग्रेस ट्विटर तक ही सीमित हो चुकी है। महंगाई पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब को लेकर सिंधिया बोले, तेल के दाम $20 प्रति बैरल से बढ़कर $60 प्रति बैरल हो चुके हैं, मतलब 300% वृद्धि। महंगाई का सामना हम लोग कर रहे हैं और नियंत्रण भी लाएंगे। सिंधिया ने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा कि 42 नई फ्लाइट्स हमने मध्य प्रदेश को दी है। आने वाले समय में जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जबलपुर और इंदौर को नई फ्लाइटें दे रहा हूं। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश नगर विमानन के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कर आगे बढ़ेगा। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे सौंपी है। ये आप अनुमान लगाओ कि आने वाले 10-15 सालों में जो वर्तमान देश में हमारे यात्री हैं, घरेलू तौर पर 14 करोड़ और विदेशी यात्री करीब 6-7 करोड़, 20 करोड़ कुल हमारे यात्री हैं, जिस देश में 130 करोड़ की आबादी। क्षमताएं क्षेत्र में अपार हैं, पर हम लोगों को अपने देश के एयरलाइंस को भी मजबूती प्रदान करनी होगी। अधोसंरचना एक एक कोने तक हम लोगों को पहुंचाना होगा और यही प्रधानमंत्री की जी की सोच और विचारधारा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे। और जो उड़ान योजना हमने चलवाई है, उस उड़ान योजना में जो सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, कई राज्य भी सब्सिडी उस उड़ान योजना में अपने अपने रूट्स के लिए देते हैं। पर्यटन मंत्रालय कुछ पर्यटन क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी देते हैं। उसके तहत 2017 से आज तक 363 ऐसे रूट्स हमने प्रचलित किए हैं जो पहले कभी भी इस देश में नहीं चलते थे।
और संसद में आपने मेरा वक्तव्य भी सुना होगा शोर के मध्य, जब मैंने कहा ऐसे एयरपोर्ट्स हैं डिब्रूगढ़, झरसुड़ागढ़ उड़ीसा में, रूपसी आसाम में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद हवाई यात्रा का नामो निशान नहीं, देश के हवाई नक्शे से उड़ाए गए थे, आज ऐसे ऐसे छोटे शहरों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 110 से 170 फ्लाइट्स हर हफ्ते चलाए जाती हैं। 42 नई फ्लाइट्स हमने मध्य प्रदेश को दी हैं, जबलपुर से देश के हर कोने तक, हैदराबाद से मुंबई से दिल्ली तक जबलपुर को हमने जोड़ा है, इंदौर को हमने जबलपुर के साथ जोड़ा है, इंदौर को हमने 3 नए डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ा है, ग्वालियर को 8 नए डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ा है। अभी 20 तारीख को मैं जन आशीर्वाद यात्रा से वापस जा रहा हूँ, जबलपुर को नई फ्लाइट दे रहा हूँ, इंदौर जबलपुर की फ्लाइट दे रहा हूँ, ग्वालियर जयपुर की फ्लाइट दे रहा हूँ, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, नागर विमानन क्षेत्र में भी अधिक से अधिक वृद्धि और विकास हम इस प्रदेश में लाएंगे, ये विश्वास में। भागूंगा नहीं, सही सही उत्तर आपको दूंगा। तो एक तेल का दाम, एक कोविड का वातावरण, और दूसरा, अगर आप लोगों ने वित्त मंत्री जी का वक्तव्य कल सुना, जो 1,07,585 करोड़ के तेल के बॉन्ड यूपीए के सरकार के समय में कांग्रेस ने ली थी, जिसके आधार पर 10,999 करोड़ रुपए हर साल हम लोगों को ऋण के रूप में देना पड़ता है, ब्याज के रूप में, ऋण वापसी की बात तो छोड़ो, ये तो ब्याज में हम लोगों को देना पड़ता है, ये किसकी देन है देश को, ये बाढ़ किसने लगाया देश के सिर पे, 2025-26 तक उस ऋण का पूर्ण रीपेमेंट हम लोग करेंगे, उससे भार भी सरकार के ऊपर कम होगा। इस महंगाई का सामना हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे और नियंत्रण पर भी लाएंगे, लेकिन आज एक समन्वय भी हम लोगों को तय करना है, विश्वव्यापक इस महंगाई पर कंट्रोल करना है, उसी के साथ घरेलू उत्पादन के दर में भी वृद्धि उत्पन्न करनी होगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए देवास से ब्यूरो रिपोर्ट।